तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारा जो है ओपेरा मिनी फाइनली डाउनलोड हो चुका है। अब हमें सिंपली क्या करना है, इस पर करना है क्लिक, और जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे ये खुलेगा, और उसके बाद हमें इसमें कुछ करना है सेटिंग्स। तो सेटिंग में मैंने इसमें जो है एक्सटेंशन ऑलरेडी इसमें इनेबल कर रखा है, और उसके बाद जो है देखिए साइड कॉर्नर में हमें दे रखा व्हाट्सएप, ठीक है। हमें इस पर करना है क्लिक, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने खुल जाएगा, आपका जो व्हाट्सएप है वो इसमें ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको वन टाइम सेटिंग करनी है, बार बार करने की जरूरत नहीं है, और एक बार ही करने के बाद जो है ये आपका इनेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका व्हाट्सएप जो है इसमें ऑन हो चुका है। आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में जाना है, और जाने के बाद अपने व्हाट्सएप जो आपके फ़ोन में है उसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद ऊपर जो थ्री डॉट दे रखा है उस पर करना है क्लिक, और आपको जाना है थ्री डॉट पर क्लिक करके आपको जाना है व्हाट्सएप वेब। यहाँ पे आपको फाइनली दे रखा है कि यहाँ पे जो है आपको जाना है मेन्यू में, मेन्यू के बाद जाना है सेटिंग में, सेटिंग में जाके आपको सिलेक्ट करना है व्हाट्सएप वेब। उसके बाद पॉइंट योर फोन एंड दिस स्क्रीन टू कैप्चर द कोड, आपके फिर फोन में जो है आप क्यूआर कोड आएगा, उससे आपको क्या करना है, इसे करना है कैप्चर। कैप्चर जैसे ही मैंने इसको कर लिया है, कैप्चर करते देखिए ये यहाँ पे ऑन हो चुका है फाइनली, और ऑन होते ही हमारा जो है व्हाट्सएप इसमें ऑन हो जाएगा, और जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे इसमें दिखने लग जाएंगे, ठीक है। ये देखिए मेरे सारा का सारा व्हाट्सएप इसमें ऑन हो गया, जितने कॉन्टैक्ट नंबर थे मेरे फ़ोन के अंदर वो सारे इसमें आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसको बड़े ही आसानी से ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें मैसेंजर को भी कर सकते हैं, और जब भी आपको मैसेज आएगा यहाँ पे आपको शो कर जाएगा, आपको बार बार इसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, आपको फ़ोन में जो है एक्स्ट्रा चीज़ें भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो ये देखिए आपका यहाँ पे मैसेंजर भी आ चुका है आपको, और मैसेंजर है जिसमें आपके फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम दोनों इंक्लूड हो, दोनों के मैसेज आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आपका अकाउंट है तो आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं बड़ा इजीली, आप अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी जो भी है पासवर्ड डाले, उसके बाद कर दें इसे साइन इन, और उसके बाद जो है आपका मैसेंजर ऑन हो जाएगा। इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, इसको ऑपरेट करने के और कई सारे तरीके हैं जो कि बहुत ही आसान है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, और अभी भी आप अगर आपके माइंड में किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपके उस सॉल्यूशन का जवाब ढूंढ पाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।